मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं MMV यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज। इस पूरी सीरीज में हमारी 38 वीडियो बनेगी और ये जो टोटल क्वेश्चन है इस सीरीज में वो है हमारे 570। ये हमने क्वेश्चन लिए हैं बारस्किल की ऐप पर या बारस्किल की साइट पर, जो PDF उपलब्ध है, निम्मी के द्वारा जो PDF उपलब्ध करवाई गई है वो सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन हमने यहाँ दिया है। PDF में आपको केवल क्वेश्चनों के आंसर मिलते हैं, वहां कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रखा, इसलिए बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि उन क्वेश्चनों को कैसे याद रखे। तो इस पूरी सीरीज में हमने प्रत्येक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में समझाया है, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है और जहां जहां हमें जरूरत होती है एक्सप्लेन करने के बाद पिक्चर या एक्स्ट्रा जो डायग्राम है वो लेके मैंने आपको समझाया है, ताकि आप एग्जाम तक इन क्वेश्चनों को ना भूलो, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाए। हर बार CBT एग्जाम में, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इसी सीरीज में से आए हैं। तो हमें आगे भी उम्मीद है कि आगे जो CBT एग्जाम होंगे उनमें भी जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए जो CBT एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे रेलवे है, रोडवेज है, मेट्रो है या कोई दूसरा सरकारी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। हमने प्रत्येक वीडियो में 15 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ा समय लग जाता है तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम प्रत्येक वीडियो में केवल 15 क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पर जब आप लिखोगे ऑनलाइन ITI मंत्रा तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लें PDF या दूसरी अपडेट के लिए। इसके अलावा आपको सीरीज को लेकर या पढ़ाई को लेकर या CBT एग्जाम को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करिए, मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब आपको जरूर दूंगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है, वो भी नोट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, जब भी मुझे समय लगता है, जब भी मैसेज देखूंगा उसका जवाब आपको मैं जरूर दूंगा। और MMV के बच्चों के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, ताकि MMV से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हम आगे डालेंगे उनका लिंक मैं वहां भी शेयर आपको कर दूंगा, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। और जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उसको मिलते रहे। इस चैनल पर हम थ्योरी एग्जाम के अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, WCS की वीडियो भी डालते रहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What is the type of mechanical hazard in the workshop? कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है? तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को, जैसे मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे, और इस सीरीज की स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी हमारे थोड़े इस क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहेगा, तो इनको ध्यान से समझना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कार्यशाला में यांत्रिक खतरों है वो कौन सा प्रकार, यानी कि मैकेनिकल हजार्ड क्या होगा वर्कशॉप में। ऑप्शन आपके पास है सिकनेस, यानी कि कोई रोग, करंट लीकेज, विद्युत धारा में कोई रिसाव हो जाए, करंट की लीकेज हो जाए, अनगार्डेड मशीनरी, गैर संरक्षित मशीनरी, या रॉन्ग लेआउट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का गलत लेआउट। तो जो मैकेनिकल हजार्ड है, यांत्रिक जो खतरा है, वो किसके कारण उत्पन्न हो सकता है इन चार ऑप्शन में से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरी, क्योंकि अगर हमारी मशीनरी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो अनगार्डेड है, उस पर हमने कवर नहीं कर रखा, उस पर सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है, यानी कि वो अनगार्डेड है, तो उस मशीनरी पर काम करते समय ऑपरेटर को चोट लगने का खतरा होता है। तो इसलिए अगर मशीन पे काम करते समय कोई चोट लगती है, उसके कारण कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो वो किस में आता है? हमारा मैकेनिकल हजार्ड में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अनगार्डेड मशीनरी। किस पे टिक करेंगे? सी पे इस क्वेश्चन के लिए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ वर्कशॉप इक्विपमेंट यूज टू डिलीवर द एयर प्रेशर टू हाइड्रोलिक होइस्ट? हाइड्रोलिक होइस्ट के लिए हवा के दबाव को वितरित करने के लिए किस प्रकार के कार्यशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है?
क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ ये पूछा गया जो हमारी हाइड्रोलिक होइस्ट होती है, होइस्ट एक्चुअल में क्या होती है, एक मशीन होती है जो हमारा भारी उपकरण होते हैं, भारी मशीनरी होती है, उनको लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पूछा गया वर्कशॉप में जो हाइड्रोलिक होइस्ट होती है उसमें जो एयर प्रेशर है उसको डिलीवर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का या किस इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास है जिप क्रेन, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप या हाइड्रोलिक पंप का। तो इस अगर इस क्वेश्चन में एयर प्रेशर नहीं दिया होता तो हम हाइड्रोलिक होस्ट में जो प्रेशर डिलीवर करने का काम करता है वो हमारा किया जाता है हाइड्रोलिक पंप के द्वारा। लेकिन यहां बात की गई है एयर प्रेशर की, तो जहां पर एयर प्रेशर की बात आ जाए इसका मतलब हमारा सिस्टम जो है वो न्यूमेटिक सिस्टम है। जहां एयर यूज होती है उसको न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये कौन सी हमारी होइस्ट है, न्यूमेटिक होइस्ट एक तरह से। तो न्यूमेटिक में जहां पर एयर होती है तो वहां पर हम जो प्रेशर डिलीवर करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, कंप्रेसर के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस पे टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे, ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर यहां पर एयर प्रेशर की जगह हाइड्रोलिक प्रेशर होता या फ्लूड प्रेशर होता तो हमारा हाइड्रोलिक पंप हमारा आंसर होता। तो वहां प्रेशर हम डिलीवर करते हैं हाइड्रोलिक पंप के द्वारा, लेकिन यहां एयर की बात है तो एयर में हम यूज करते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर हमारे एयर को डिलीवर करता है होज पाइप तक, और होज पाइप किससे जुड़ी होती है, हमारी होइस से जुड़ी होती है। तो बी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ रिस्क सिंबल, दिए गए जोखिम प्रतीक का नाम क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जो पिक्चर है ये आपको दी होगी क्वेश्चन में समझाने के लिए कि भी कलर में कैसे लगेगी, मैंने एक पिक्चर और ऐड कर रखी है समझाने के लिए। तो पूछा गया जो ये सिंबल है ये किसका है। ऑप्शन आपके पास है रिस्क ऑफ फायर, आग का जोखिम, रिस्क ऑफ विंड, हवा का जोखिम, रिस्क ऑफ स्लिपेज, फिसलने का जोखिम, या रिस्क ऑफ हजार्ड, खतरे का जोखिम। तो सभी बच्चे इस सिंबल को देख के उसको पता लग गया होगा किसका सिंबल है, ये आग का सिंबल है। तो ये किसमें आएगा, आग का जोखिम। ये किसका सिंबल, हमारा रिस्क ऑफ फायर, यानी कि जिस एरिया में यह सिंबल लगा होगा वहां पर आग लगने का खतरा ज्यादा है, तो वहां में हमें संभलने की जरूरत है। तो किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द आई। ये भी आसान क्वेश्चन है, आंख की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको आंख बचानी है, आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए आप क्या यूज करेंगे। ऑप्शन आपके पास है कैप, मास्क यानी कि मुखौटा, ग्लव्स यानी कि दस्ताने, गॉगल्स यानी कि चश्मे या काले चश्मे, जो भी उस एनवायरमेंट के लिए सुटेबल है। तो आईज के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉगल्स का प्रयोग करते हैं, चश्मों का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द हेड। अब हमारे हेड की सुरक्षा करनी है, सिर की सुरक्षा करनी है, सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका जवाब भी आप आसानी से दे दोगे। ऑप्शन आपके पास है बूट, मास्क यानी कि मुखट्टा, एप्रन, डी ऑप्शन है हमारा हेलमेट। तो सभी को पता है अगर हमें सिर की सुरक्षा करनी है, हेड की सुरक्षा करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, हेलमेट यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी नीड टू प्रोटेक्ट इन द हाई नॉइस लेवल एट वर्क प्लेस। मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर पर संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यह भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जहां पर जिस एनवायरमेंट में ज्यादा शोर शराबा है, ज्यादा हमारी नॉइस है, नॉइस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको किस हिस्से को संभालने की जरूरत है, किस हिस्से को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो जहां शोर शराबा ज्यादा होगा तो किसके खराब होने की हमारी आशंका ज्यादा रहती है, हमारे कान की। तो इसका संबंध किससे, हमारे ईयर से है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लो, ईयर, ये रहा हमारा कान। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शोर शराबे से जहां पर हाई नॉइस लेवल है किसको बचाना, हमें ईयर को बचाना, कान को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोटेक्ट द डस्ट। कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई धूल से बचाते हैं, आपने बताना है डस्ट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शन आपके पास है मास्क यानी कि मुखौटा, एप्रन, ग्लव्स यानी कि दस्ताने, फेस शील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मास्क। हम डस्ट से बचने के लिए क्या लगाते हैं, फेस पे मास्क लगाते हैं। तो किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मास्क ना दिया फेस शील्ड भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन आपको दिए हो तो फेस शील्ड से भी ज्यादा इफेक्टिव होता हमारा मास्क डस्ट से में बचाने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द एक्सप्लोसिव हजार्ड, विस्फोटक खतरा कौन सा है। आपने एक्सप्लोसिव हजार्ड बताना है नीचे दिए गए चार ऑप्शनों में से।
ए ऑप्शन है फिजिकल हजार्ड यानी कि भौतिक खतरा, केमिकल हजार्ड यानी कि रासायनिक खतरा, बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक खतरा, या मैकेनिकल हजार्ड यानी कि यांत्रिक खतरा। तो एक्सप्लोसिव यानी कि हमारा विस्फोट होने की कोई संभावना या विस्फोट हो जाता है तो वो किस खतरे में आता है, वो आएगा हमारा केमिकल हजार्ड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब भी कोई खतरा होता है एक्सप्लोजन की वजह से, विस्फोट होने की वजह से, तो वो हजार्ड आता है हमारा किस कैटेगरी में, केमिकल हजार्ड यानी कि रासायनिक खतरे की कैटेगरी में। तो बी पे इस क्वेश्चन के लिए हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज टू बी चेक्ड बिफोर यूज द टूल। उपकरण का उपयोग करने से पहले क्या चेक किया जाना चाहिए, यानी कि आपको किसी टूल की, उपकरण की जरूरत पड़ती है, आप उसको लेने के लिए टूल बॉक्स में गए, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे। ऑप्शन आपके पास है टूल मटेरियल नेम, उपकरण की सामग्री क्या, ये चेक करेंगे। टूल डैमेज और वोर, उपकरण खराब या घिसा हुआ तो नहीं है, ये चेक करेंगे। टूल मैन्युफैक्चरिंग नेम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का नाम देखेंगे। टूल मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उपकरण का निर्माण वर्ष आप देखेंगे। तो जब भी आप टूल यूज करेंगे उससे पहले हम सबसे पहले वो देखेंगे कि वो टूल डैमेज या टूटा फूटा तो नहीं है, ज्यादा घिसा हुआ तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बी पे टिक करेंगे ना, तो हम उसके मटेरियल से ज्यादा मतलब है, ना उसकी मैन्युफैक्चर किसने वो बना रखा उससे मतलब है, ना वो किस साल में बना इससे मतलब है। हम उसको देखेंगे कि वो टूल यूज करने से पहले कि कहीं टूटा फूटा या वोर्न आउट तो नहीं है। तो बी पे इस क्वेश्चन के लिए टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड इन द लिफ्ट एंड क्रेन्स। लिफ्टो और क्रेन में किस प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी लिफ्ट होती है, क्रेन होती है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगे होते हैं, तो वहां पर जो ऑयल है वो कौन सा यूज करते हैं, चार ऑप्शन में से ये बताना है। पहली ऑप्शन है हमारे पास ए गिंजेली ऑयल, कोकोनट ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल। तो जो हमारी लिफ्ट है, क्रेन है, मैंने जैसे बताया कि ये कौन से सिस्टम होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, तो हाइड्रोलिक जो सिस्टम होते हैं जहां पर हम जो ऑयल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ऑयल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम है तो ऑयल भी कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइड्रोलिक ऑयल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी पे टिक करेंगे, याद रखना है ये आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज रिकमेंडेड फॉर यूज टू हैंडल लोड्स विद द रफ सरफेस एंड द जैगड एजेस। मोटे सतहों और दांतेदार किनारों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है या सलाह दी जाती है। देखो, आपने बताना है कि हम क्या उपकरण यूज करेंगे, क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे। हमारे जो सरफेस है मेटल के, जो आपने उठाना है, जिसको हैंडल करना, वो रफ है, यानी कि छिलने की आशंका है, हाथ फटने की आशंका है, और जिसके किनारे क्या हमारे दांतेदार हैं, तो इससे हमारी क्या है, हाथ खराब होने की ज्यादा आशंका है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑप्शन आपके पास है पेपर ग्लव यानी कागज के दस्ताने, रबर ग्लव यानी रबड़ के दस्ताने, लेदर ग्लव्स यानी चमड़े के दस्ताने, या पॉलिथीन ग्लव्स यानी कि पॉलिथीन के दस्ताने। तो हमें हाथों को बचाना है तो पहली तो बात यह है कि हम दस्ताने यूज करें, ग्लव्स। अब किस मटेरियल के वो होने चाहिए, जहां पर हमारे सरफेस क्या है, रफ है, और दांतेदार वो सरफेसेज हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेदर ग्लव्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, क्योंकि पेपर ग्लव्स, रबर ग्लव्स या पॉलिथीन ग्लव्स है वो जल्दी फट जाएंगे, ये हमारे हाथों को सेफ नहीं रख सकते। तो हमें अगर अपने हाथों की सुरक्षा करनी है तो क्या यूज करेंगे, लेदर ग्लव्स यानी कि चमड़े के दस्ताने उपयोग में लाएंगे, ये सलाह आपको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, Which type of gloves used to avoid cuts and abrasion during the material handling? Material handling के दौरान कटने और घर्षण यानी कि रगड़ने से बचने के लिए किस प्रकार के दस्ताना का उपयोग किया जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है, सेम इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। अब यहाँ हमें हाथों को बचाना है तो पूछा गया किस तरह ग्लव्स यूज करें कि हमारे हाथों में ज्यादा कट ना पड़े और जो रगड़ ना लगे, जिसकी वजह से हमारे हाथों में स्क्रैच आ सकते हैं। तो रगड़ से बचने के लिए और कटने फटने से बचाने के लिए हमें कौन से तरह के दस्ताने यूज करने चाहिए, ऑप्शन वही है रबर ग्लव्स यानी कि रबड़ के दस्ताने, लेदर ग्लव्स, कॉटन ग्लव्स या पॉलिथीन थिन ग्लव्स। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेदर ग्लव्स। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा, चमड़े के दस्ताने। तो किस पे टिक करेंगे हम, बी पे टिक करेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोहिबिशन साइन, निमन निषेध संकेत का नाम क्या है। क्वेश्चन में आपको इस प्रकार का सिंबल दिया होगा, आपने बताना ये सिंबल है किसका है, तो देख के आपको वैसे पता भी लग गया होगा। ऑप्शन आपके पास है वन वे प्रोहिबिटेड यानी एक तरफ का जो रास्ता वो निषिद्ध है, बी ऑप्शन है पेडेस्ट्रियल प्रोहिबिटेड पैदल चलने का जो रास्ता वो निषिद्ध है, सी है डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर पानी से न बुझाएं, डी ऑप्शन है स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड धूम्रपान व नंगन लपटे निषिद्ध है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक तिल्ली की तरह दिखाई गई है
और ऊपर हमारी क्या है, आग जली हुई है और उस पे आगे ऊपर क्रॉस कर रखा है, जिसका मतलब है कि स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड, यानी कि इस एरिया में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते या माचिस वगैरह की तिल्ली आप जला नहीं सकते। तो स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम आर प्रोहिबिटेड, धूम्रपान और नंगन की लपटें निषिद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ वार्निंग साइन, निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है। ये संकेत आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, आपने बताना ये संकेत क्या दर्शाता है। ऑप्शन आपके पास है रिस्क ऑफ फायर यानी कि आग का जोखिम, लेजर बीम, टॉक्सिक हजार्ड यानी विषाक्त खतरा, या रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बिजली से झटके का खतरा। तो जो ये सिंबल है आप लोगों ने जहां पर हमारे खंबे होते हैं, पोल होते हैं बिजली के, वहां भी लगा देखा होगा, ये क्या बताता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, बिजली से झटके का खतरा। जहां ये सिंबल लगा हुआ इसका मतलब यहाँ पर करंट लगने की संभावना है। ये भी आसान था और रंगीन, अगर आप देखोगे कलरफुल में ये सिंबल इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेक्शन साइन, निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको ये डायग्राम दिया होगा ब्लैक एंड व्हाइट, आपको समझाने के लिए कैसा दिखेगा मैंने थोड़ा सा एक कलरफुल भी लिया था कि आप आसानी से उसको समझ जाओ, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये सारे साइन ब्लैक एंड व्हाइट ही मिलेंगे। तो आपने बताना जो ये प्रोटेक्शन साइन है ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन आपके पास आई प्रोटेक्शन यानी कि नेत्र की सुरक्षा, हेड प्रोटेक्शन सिर की सुरक्षा, हियरिंग प्रोटेक्शन कानों की सुरक्षा, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन श्वास संबंधी सुरक्षा। तो इस सिंबल को, इस साइन को देखते आपने पता लग गया होगा इस सिंबल में क्या है, एक फेस दिखाया गया, उसके ऊपर क्या लगा रखे हैं, गॉगल्स लगा रखे हैं, चश्मे लगा रखे हैं। तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी आंख को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो किसमें आएगा हमारा, आई प्रोटेक्शन यानी कि नेत्र सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन पे किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे आज की वीडियो के 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MMV फर्स्ट ईयर की ट्रेड के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज को जरूर शेयर करें। जितना आप लाइक करोगे कमेंट करोगे उतना जल्दी जल्दी मैं वीडियो को लेकर आऊंगा, आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।